हेलो ऑल। सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, लास्ट टाइम हमने किया था फैक्टोरियल का प्रोग्राम। नाउ वी विल बी डूइंग अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यानी यूजर से आप इनपुट लेंगे कि उन्हें कहाँ तक के नेचुरल नंबर्स का एडिशन प्रिंट करना है। बट एडिशन विल बी इन सच अ वे कि सारे इवन नंबर्स के एडिशन होंगे एक साथ और सारे ऑड नंबर्स के एडिशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एज अ यूजर यू आर गिविंग एन इक्वल्स टू फाइव, यानी जो इनपुट एन पूछा है और आपने इनपुट दिया फाइव फॉर एग्जाम्पल। सो इन दैट केस फाइव तक, वन से लेके फाइव तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका एडिशन प्रिंट होगा और जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एडिशन प्रिंट करना है। सो उसके लिए लॉजिक यहाँ पे इट सेज एन इक्वल्स टू इंट, यानी एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे। इनपुट, बिकॉज वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, अप टू विच नेचुरल नंबर, यानी कहाँ तक प्रिंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फाइव दिया है कि मुझे फाइव तक चाहिए। सी टी आर इक्वल टू वन, सी टी आर इज नथिंग बट अपना काउंटर। काउंटर इज यूज, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी हम लूप यूज करेंगे तो हमें काउंटर यूज करना पड़ता है टू कीप अ चेक कि वो लूप कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा। सो इनिशियली हम काउंटर को वन लेते हैं क्योंकि वन टाइम बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वंस एटलीस्ट द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। सो इट इज ऑलवेज गिवन एज वन। सम अंडरस्कोर इवन इक्वल्स टू सम अंडरस्कोर ऑड इक्वल्स टू जीरो, यानी हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक है सम ऑड और एक है सम इवन। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही नाम देने, यू कैन पुट एनीथिंग, यू कैन पुट लाइक एस ऑड और यू कैन ऑल्सो पुट लाइक एस इवन। ये वेरिएबल्स यूजर डिफाइंड होते हैं, सो आपको जो नाम चाहिए आप वैसा अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। सो इनिशियली हमने वो वैल्यूज जीरो कर दिया है बिकॉज देर इज no values assigned to it, plus declaring it this way helps it from printing any garbage value or storing any garbage value in it. While CTR less than equals to n, ये अपनी condition है अभी, while loop लगा हुआ है, so we know that while is an entry control loop, which means जब भी loop start होगा तभी हम condition check करते हैं। So while CTR less than equals to n, in the sense कि जब तक counter is less than equals to n, काउंटर का वैल्यू अभी तो वन है, सो काउंटर का वैल्यू इज वन एंड द कंडीशन सेज सी टी आर लेस देन इक्वल्स टू वन, विच मीन्स सॉरी सी टी आर इज लेस देन इक्वल्स टू एन, आई एम वेरी सॉरी। सो ओवर हियर सी टी आर का वैल्यू, अच्छा ओके वो ओवर राइट हो गया, सी टी आर इक्वल्स टू वन, या so over here what we are checking basically is 1 less than equals to 5. तो जब जब ये condition true होगा, जो condition हम यहाँ पे check कर रहे हैं, तो जब जब ये condition true होगा it will go inside the loop. So as I am going inside the loop I am getting this condition again. Now we have seen that this is the condition basically to check whether the number is even or odd. ये even odd वाले programs हमने previous chapters में किए हैं। So, mod 2 किया है क्योंकि mod हमेशा remainder देता है। So, obvious है कि any number which is divisible by 2, जिसका remainder 0 आएगा, that number is considered as even. So, अगर ये condition true है, तो वो if while loop के अंदर जाएगा, while loop के अंदर एक और check करेगा condition, that is CTR is 1. So, 1 mod 2. Now, we all know that 1 mod 2, यानी 2 वन से डिवाइड करोगे तो वो नहीं हो जाएगा, वन डिवाइड बाई टू विल नॉट गिव यू रिमाइंडर जीरो। सो इन दैट केस ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा। अब ये जो इफ एल्स है वो इस व्हाइल लूप के अंदर ही है, सो व्हाइल लूप का कंडीशन ट्रू हुआ तो ही ये इसके अंदर जाएगा। बेस्ड ऑन दिस वेदर दिस इफ कंडीशन इज ट्रू और नॉट, इट इज डिसाइडेड कि इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है विच इन दिस केस इट इज बिकॉज वन मॉड टू इज नॉट जीरो, तो ये एल्स पे जंप करेगा एंड इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, दैट इज सम ऑड इज इक्वल्स टू सम ऑड प्लस सी टी आर, दैट इज काउंटर। तो अपना सम ऑड में ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू जीरो स्टोर्ड है, सो दिस इज जीरो। सी टी आर का वैल्यू ऑलरेडी वन है, सो वन
एंड 0 प्लस 1 इज ऑलवेज 1. सो इस ऑड में पहले जहां पे 0 स्टोर था अभी नया वैल्यू स्टोर होएगा दैट इज 1. इसके बाद वो वापस बिकॉज इट इज व्हाइल लूप सो इट विल अगेन गो ओवर हियर एंड इट विल चेक सी CTR इक्वल टू CTR प्लस 1 करेगा. नो आफ्टर दिस लाइन इट हैज CTR प्लस इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था व्हेन यू राइट लाइक दिस इट सिंपली मींस CTR इक्वल्स टू CTR प्लस 1 होता है. सो अगर CTR का वैल्यू ऑलरेडी 1 है सो इन दिस केस व्हाट यू आर डूइंग इज 1 प्लस 1 दैट बिकम्स इट 2. तो करंट वैल्यू फॉर CTR विल बी 2. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मूव ऑन टू द व्हाइल लूप यू आर चेकिंग इफ 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5. सो अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू. हमने एक बार एग्जीक्यूट किया 1 वाला वैल्यू था तो वो फॉल्स हो गया तो हमने ये वाला ऑड वाले में एडिशन किया. उसके बाद वो लूप टर्मिनेट होके ये लाइन पे आया. यहाँ पे हमने काउंटर को इंक्रीमेंट किया है बाय 1. तो क्योंकि काउंटर का वैल्यू ऑलरेडी 1 था सो 1 प्लस 1 मेक्स इट 2. तो वापस जब ये यहाँ पे इस लाइन पे आता है व्हाइल लूप पे व्हिच इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 चेक करता है व्हिच अगेन सेज 2 दैट इज कंडीशन इज ट्रू. सो ये लूप के अंदर आएगा इट विल चेक इफ 2 mod 2 क्योंकि CTR का करंट वैल्यू इज 2 सो 2 mod 2 इज 0 देन इट इज यस 2 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 0 देता है व्हिच मींस ये कंडीशन ट्रू हुआ. सो इन दिस केस इट विल नाउ एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट इसका वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. तो इसमें क्या है s even यानी s even पहले 0 था बट नाउ CTR के साथ इसका एडिशन होगा. तो s even 0 है प्लस CTR का करंट वैल्यू इज 2. So, 0 plus 2 is 2. So, S even का current value is 2. S odd का 0 था, वो 1 हो चुका है. S even का जो 0 था, अभी इस iteration के बाद वो 2 हो चुका है. Then again, it will encounter this statement. So, now it will be 2 plus 1, क्योंकि current value for CTR is 2. 2 plus 1 is 3. So, next iteration वापस हो जाएगा 3. लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन वापस ट्रू रहेगा. सो वो वापस इसके अंदर आएगा 3 मॉड 2 रिमाइंडर इज नॉट 0 इट विल गो ओवर हियर. सो यहाँ पे वो क्या करेगा एस ऑड अभी लास्ट ड्रॉन वैल्यू फॉर एस ऑड इज 1. सो जब एडिशन होगा इट विल बी 1 एंड लास्ट ड्रॉन वैल्यू फॉर CTR इज 3. सो 3 प्लस 1 हो जाएगा दैट इज 4. 3 प्लस 1 होगा दैट इज. नेक्स्ट अगेन कंट्रोल काउंटर विल बी 1 सो दिस इज 3 प्लस 1 सो दिस विल बी 4. सो नेक्स्ट कंडीशन टेस्टेड विल बी 4 लेस देन इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे ये चेक होगा कंडीशन वापस ट्रू है इफ के पास जाएगा इफ में कंडीशन चेक करेगा 4 मॉड 2 इक्वल्स टू 0. तो 4 मॉड 2 इक्वल्स टू 0 इज ट्रू बिकॉज 4 डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर 0 आता है. तो यहाँ पे जाएगा इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे 4 हो जाएगा. सो 4 प्लस 2 इज 6. तो एस इवन में नया वैल्यू जो स्टोर करेगा वो 6 होगा. अगेन काउंटर जो इंक्रीमेंट होगा ये स्टेटमेंट में जाके इट इज 1. सो 4 प्लस 1 इज 5. सो ओवर हियर 5 है कंडीशन वापस ट्रू है. सो एस इवन का लास्ट राउंड वैल्यू वाज 4 काउंटर का करंट वैल्यू इज 5. 5 प्लस 4 इज 9. अगेन यहाँ पे जाएगा इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट 5 प्लस 1 विल बी 6 ओवर हियर. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू सी 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन फॉल्स हो गया ये वाले लाइन पे. यहाँ पे द कंडीशन इज फॉल्स सो वो सीधा इस लूप के बाहर आ जाएगा. सो इफ यू सी एस ऑड में एग्जैक्टली वही नंबर है जो अपने को मिलना चाहिए और एस इवन में एग्जैक्टली वही नंबर है जो अपने को मिलना चाहिए. तो फाइनली वी हैव गॉट द एडिशन फॉर इवन एंड ऑड बोथ एंड हेंस वी आर प्रिंटिंग कि जो भी इवन नंबर्स है वो सम इवन में स्टोर है ऑड नंबर्स है वो सम ऑड में स्टोर है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम. आई होप देर आर नो डाउट्स. इन केस ऑफ डाउट्स प्लीज लेट मी नो.